everyone, I welcome you all to the SST Edupedia of SST College of Arts and Commerce Ulhasnagar 4. Myself, Anuradha Prabhakaran, is going to teach you Organization of Commerce and Management. We will see how our book looks like. Our book looks like this, very beautiful, blue in color, Organization of Commerce and Management. In this, what all topics we are going to study, that is presented in front of you, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने पेश किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द इंडेक्स. द फर्स्ट लेसन विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस ईयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. इस साल जो आप पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं ओसीएन मैनेजमेंट में वो है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस. सेकेंड लेसन जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रेड. थर्ड लेसन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस. फोर्थ चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट वन. फिफ्थ चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट टू. सिक्स चैप्टर है इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस. सेवन चैप्टर है बिजनेस एनवायरमेंट. एट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. ये आठ चैप्टर है हम लोग जो इस साल के सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में. चलिए स्टूडेंट्स हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. सो ये चैप्टर वन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है मैंने वो शॉर्ट में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है. सो दैट व्हाइल स्टडिंग यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि क्या क्या हम लोग पढ़ाई करें कितने क्वेश्चन इसमें याद करें. इसीलिए जो जो आपको इस लेसन में पढ़ना है वो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है. पहला हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. ये सब हम लोग डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आज पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी. इंसानी प्रक्रिया कितने इसमें विभाजित की गई है. ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इंटू टू एक्टिविटीज. इंसानी प्रक्रिया को दो हिस्से में विभाजित किया गया है. एक तो आर्थिक प्रक्रिया, दूसरा है जिसमें कि आर्थिक प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें कि आप लोग पैसों का इस्तेमाल करते हो. पैसा देकर जब सामान लेते हो इसका मतलब उसे कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब हम लोग सेवा भाव से कुछ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आप अपने दोस्त को पुस्तक देते हो पढ़ने के लिए, बुक देते हो पढ़ने के लिए, उसे कहा जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर आप अपने फ्रेंड को बुक खरीद के दे रहे हो और वो पैसा आपको दे रहा है तो ये हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आर्थिक प्रक्रिया के अंदर क्या क्या चीज आता है. सामान का उत्पादन करना, उसे बांटना और साथ साथ में उसे इस्तेमाल करना और मुनाफा हासिल करना. लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है दोस एक्टिविटी हुज एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट. वो प्रक्रिया जिसका एक ही मकसद है सेवा करना, न कि मुनाफा हासिल करना. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ह्यूमन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आखिर होती क्या है. नॉन नहीं, इकोनॉमिक आर्थिक प्रक्रिया एक्टिविटीज, यानी कि किसी भी आर्थिकता के लालच में जो नहीं की जाती है उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. That means those activities which are performed not for earning profit is termed as non-economic activity. You all can see that one mother is cooking food. आप सब देख सकते हो कि एक मम्मी खाना बना रही है, घर वालों के लिए खाना बना रही है मम्मी शायद. तो क्या घर वालों से क्या पैसा लेती है वो बनाने के लिए खाना? नहीं लेती है.
तो इसे हम कहेंगे, यानी कोई भी पैसा लेने के भावना से मम्मी खाना नहीं बना के देती है, ये हमारा सेवा नहीं करती मम्मी बेचारी, तो इसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इंसानी प्रक्रिया प्रवृत्ति है जिसमें कि हम लोगों को कोई भी सामाजिक या फिर आर्थिक या फिर धार्मिक इन सब चीजों का लगाव रहता है बिना किसी पैसा कमाने के लालच के। आपको नीचे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ह्यूमैनिटी, हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। हेल्पिंग ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानों की सेवा करो। जो भी समाज सेवाएं होते हैं, जो भी समाज सेविका होती है, जो भी समाज सेवक लोग जो होते हैं, वो समाज सेवा करते हैं, पैसा हासिल करने के हेतु से नहीं करते स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर समाज सेवा जो की जाती है वो सिर्फ एक ही हेतु से की जाती है कि मुझे दूसरों को सेवा देना है, सेवा भावना से की जाती है, न कि मुनाफा हासिल करने के हेतु से की जाती है। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उम्मीद है कि आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी आर्थिकता का समय जमाना आ गया है, यानी कुछ भी चीज करते हो तो उसमें हम लोगों का एक ही मकसद रहता है, अगर फायदा हुआ तो करना है, फायदा नहीं तो नहीं करना है मुझको। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें कि आप लोगों का एक ही मकसद रहता है, पैसा हासिल करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन हिस्से में विभाजित की गई है। फर्स्ट है बिजनेस, सेकेंड है प्रोफेशन, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन हिस्से में डिवाइड किया गया है, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। विल फर्स्ट सी व्हाट इज दिस बिजनेस। यू ऑल कैन सी दैट फेमस पर्सनैलिटी फोटो आर गिवन और प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हो कि बहुत ही विख्यात लोगों का, पर्सनालिटी का मैंने इमेज आपके सामने रखा है। ऑल दिस पर्सन्स, रिनाउंड पर्सन्स आर फेमस बिजनेस पर्सन्स। ये सभी लोग फेमस बिजनेस पर्सन्स है, व्यापारी है। तो बिजनेस आखिर होता क्या है? व्हाट इज दिस बिजनेस? अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। आप लोग अगर एकदम बिजी हो हम उसको बिजनेस कहेंगे। सो व्हाट इज दिस बिजनेस? बिजनेस मीन्स द टर्म बिजनेस ऑल्सो रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब सामान का उत्पादन करना और उसे बेचना ताकि सामने वाले से हमको मुनाफा हासिल हो सके। सो द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट डेफिनेशन। हियर आई हैव प्रेजेंटेड डेफिनेशन ऑफ अ रिनाउंड एंड एक्सपर्ट पर्सन नोन एज प्रोफेसर हैनी। प्रोफेसर हैनी जी क्या बोलते हैं बिजनेस के बारे में, हम वो देखेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। बिजनेस प्रक्रिया का मतलब वो सारा इंसानी प्रक्रिया जिसके अंदर हम लोग उत्पादन करते हैं और साथ साथ में पैसा बनाते हैं। अब उत्पादन करके पैसा कैसे बनाया जाता है? वो इस तरीके से कि उत्पादन होता है और वही सामान मार्केट में बिकता है। जब बिकता है तो बिजनेस पर्सन को, व्यापारी को पैसे मिलते हैं। तो इसका मतलब उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है और आर्थिकता भी उसकी बढ़ती जा रही है, उसका वेल्थ बढ़ते जा रहा है। सो हियर बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। नाउ कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस की क्या खासियत है। पहला खासियत, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो की जाती है वो आर्थिकता के लिए की जाती है, ऐसे ही फ्री में बैठने के लिए नहीं की जाती है। If you people are going to do business, the main aim of your business will be for earning profit. The main aim of
डूइंग बिजनेस फॉर यू विल बी फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अगर आप लोग बिजनेस करते होंगे तो आपका एक ही मकसद रहेगा उसके पीछे कि आपको मुनाफा हासिल करना है। ऐसे फ्री में आप बिजनेस नहीं करने वाले स्टूडेंट्स। सो हियर बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो होता है वो आर्थिक प्रक्रिया है। इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। हम अपना जीवन ही बिताने के लिए, हम पैसा अर्न करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए बिजनेस करते हैं। द बिजनेस आर नॉट डन आउट ऑफ लव अफेक्शन एंड ऑल। बिजनेस जो होता है वो किसी से स्नेह या लगाव है इसके लिए नहीं करते हैं। जैसे हमारी मम्मी, मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि हमारी मम्मी जो हमारे लिए करती है, पापा जो हमारे लिए करते हैं, उसके पीछे उन लोगों का कोई मकसद नहीं रहता है कि मुझे मुनाफा होगा तो हम सेवा करेंगे। लेकिन जब कोई इंसान बिजनेस करता है तो उसके पीछे उसका कोई लगाव वगैरह रहता नहीं है, उसका सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि मुझको मुनाफा हासिल करना है। तो बिजनेस इज डन ओनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड नॉट आउट ऑफ एनी सेंटिमेंटल और इमोशनल थिंग्स। सेकेंड टू पार्टीज, बिजनेस कर रहे हम लोग तो नेचुरली दो लोगों का बहुत जरूरी है होना। दो लोग तो कम से कम होना ही चाहिए, यानी कि लेनदार और देनदार, लेने वाला देने वाला, सेलर बायर, बेचने वाला खरीदने वाला। तो इसका मतलब बिजनेस दो लोगों के बीच में होती है, सेलर्स एंड बायर्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम जो बिजनेस कर रहे हैं सेवा भावना से नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस पर्सन इज टू अर्न प्रॉफिट। अगर आप भी बिजनेस करोगे तो आपका भी एक ही मकसद रहेगा कि मुनाफा रहेगा तो हम लोग बिजनेस करेंगे। इफ आई एम टेलिंग यू टू सेल 10 बॉक्स, अगर मैं आपको बोल रही हूं कि 10 बॉक्स आप बेचिएगा, ज्योमेट्रिक बॉक्स, आप लोग वो 10 बेचने को तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन आप मुझसे पहला पूछोगे कि इसमें हमको क्या फायदा है, कितना पैसा मैडम आप हमको देने वाले हो। इसका मतलब वहां पर आप अपना मुनाफा देख रहे हो, सेवा नहीं कर रहे मेरा बॉक्सेस बेचकर। तो इसी जो मुनाफा देखना होता है उसे हम कहते हैं बिजनेस। नेक्स्ट कम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का अंदर हम लोग करते क्या है, उत्पादन करते हैं। बिजनेस का मतलब ही होता है चीजों को बनाना और चीजों को बेचना। सो द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू सेल इट फॉर प्रॉफिट। तो मेन मकसद एक ही होता है कि इस हाथ ले उस हाथ दे, आप लोगों को सामान देना और आपसे पैसे लेना। नेक्स्ट कम्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यू ऑल कैन सी आई हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू 3 इमेजेस। द फर्स्ट इमेज शोज द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम, जिसमें कि हम लोग सामान को सामान के बदले में एक्सचेंज किया करते थे। आप देख सकते हो पहले इमेज में कि एक सामान दिया जा रहा है, दूसरा सामान लिया जा रहा है, उसमें कोई भी पैसों की प्रक्रिया नहीं हो रही है। सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो पैसों की प्रक्रिया हो रही है, सामान ले रहा है और पैसे दिया जा रहा है। एंड थर्ड वन, टूडेज वर्ल्ड, टूडेज डेवलप्ड टेक्निकल वर्ल्ड, जिसमें कि हम लोग सारे ट्रांजैक्शन नेट बैंकिंग के थ्रू या ऑनलाइन करते हैं, वही हो रहा है अभी। वहां पर बैंक में जाके पैसा जमा कर लो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करो। तो आजकल ऐसा भी हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एक हाथ लेते हैं, दूसरे हाथ से कुछ ना कुछ तो देते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनीज वर्थ। अगर बाटर सिस्टम था पुराने जमाने, बाटर का मतलब होता है एक सामान देने का, दूसरा सामान लेने का, इसमें पैसों की कोई बात ही नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं मनी इज वर्थ, यानी मनी के बदले, पैसे के बदले में सामान का अदला बदली हुआ है। अगर सामान मैं दे रही हूँ आपको और आपसे पैसे ले रही हूँ, दैट मीन्स मनी की, मनी से मैंने वो चीज किया है, पैसा देकर मैंने वो चीज किया है। तो यहाँ पर अभी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस का मतलब ही होता है कि सामान आपको मिलेगा लेकिन उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट कम्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। यू नो एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस और बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग। आपको पता है
मैं बिजनेस क्यों करूंगी? ताकि मैं सामान आपको बेच पाऊं। बिजनेस करके अगर मुझे घर पे ही रखना है तो बिजनेस ही क्यों करूं? उत्पादन किया है मैंने, गोडाउन में रख दिया है, ये अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रही हूं मैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर मैं भरपूर उत्पादन कर रही हूं तो उसके पीछे मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको बेचूं और उससे मैं पैसा हासिल करूं। मैं बना रही हूं, मैं उत्पादन कर रही हूं, आई एम अ प्रोड्यूसर। आप लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हो, सो यू आर अ कंज्यूमर। तो मैं प्रोड्यूसर हूं और आप लोग स्टूडेंट्स कंज्यूमर हो। इसका बोलने का मतलब होता है कि बिजनेस जो होता है वो दो चीज से डील करता है, दैट इज प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। एज यू कैन यू ऑल कैन सी, व्हाट इज दिस कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? टी, मिल्क, पेंसिल, नोटबुक, पेन, जब आप इस्तेमाल करते हो वो सब कुछ कंज्यूमर गुड्स है। जब ग्राहक जिस चीज को इस्तेमाल करता है उससे उस गुड्स को हम लोग कहेंगे, उस सामान को हम लोग कहेंगे कंज्यूमर गुड्स। बेचने वाला प्रोड्यूसर, वो किससे बनाएगा वो सामान? बैठ के ऐसा बोलेगा नहीं, सामान आ जा, सामान आने वाला नहीं है। किससे बनाएगा? प्लांट एंड मशीनरी से बनाएगा, फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी उसको। तो जिस चीज से वो चीजें बना रहा है, ऐसा उत्पादन करता प्रोड्यूसर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, 6 पॉइंट, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस हमेशा दो चीज से डील करता है, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है आप लोग जैसे ग्राहक जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है बेचने वाला जो बेचता है। नेक्स्ट कम्स कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। बिजनेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ डीलिंग्स। बिजनेस आर नॉट डन ओनली फॉर वन डे, बिजनेस आर डन कंटिन्यूअसली। यू हैव टू डू बिजनेस कंटिन्यूअसली। जो बिजनेस होता है वो एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों को बिजनेस रोज करना है, तभी वो बिजनेस कहलाया जाएगा। आज मैं बिजनेस कर रही हूं, आज मैं बड़ा बड़ा टेक्सटाइल मिल जाके बड़े बड़े मैंने कपड़े के थान निकाले हैं, लेकिन दूसरा दिन मैं घर पे बैठ रही हूं, तो बिजनेस नहीं होगा, उल्टा मुझे नुकसान होगा, क्योंकि मेरे प्रतियोगी बहुत मेरे सामने खड़े हैं, कॉम्पिटिटर्स मेरे बहुत सामने खड़े हैं। तो मुझे अगर कामयाब होना है बिजनेस में तो मुझे रोज दिन रात बिजनेस के बारे में ही सोचना चाहिए। तो बिजनेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ डीलिंग्स, अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस। एक अकेले प्रक्रिया को आप बिजनेस नहीं कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, समझो कि आपके पास आपके पिताजी ने पेन दिया है आपको, आपके पास दो पेन है, उसमें से एक पेन आपने अपने फ्रेंड को दिया और उससे पैसे लिए। आपके पिताजी ने वो दो पेन 6 रुपए में लेकर आए हैं, 3-3 रुपए के अंदर। आप अपने फ्रेंड को एक पेन दे रहे हो और उससे 3 रुपया ले रहे हो, वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। बिजनेस होने के लिए आप लोगों को बहुत सारे मात्रा में बेचना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पिताजी 12 पेन लेके आते हैं आपके पास, और आपको पता है अगर पेन्स को रख दिया जाए तो उसका इंक सूख सकता है। तो इसके वजह से आप क्या करते हो, दो पेन अपने इस्तेमाल के रखते हो, बाकी 10 पेन आप लेके जाते हो बेचने के लिए अपने फ्रेंड्स लोग के पास। आपने अभी आपके पिताजी ने समझो वो 12 पेन 2 रुपए में खरीदा है, एक एक पेन को, मतलब 12 × 2 मेक्स 24, 24 रुपए में आपको 12 पेन मिला है। आप जाओगे अपने फ्रेंड्स के पास और उनको बोलोगे कि 3 रुपए में ये पेन मैं बेचना चाहती हूँ या बेचना चाहता हूँ। आपका फ्रेंड रेडी हो जाता है, 3 रुपए में सुंदर पेन मिल रहा है, और आपके सारे फ्रेंड्स 10 के 10 फ्रेंड्स खरीद लेते हैं उसको। इसका मतलब 3 रुपया रखकर आपने सामान को बेचा, अपने पेन को बेचा, इसका मतलब आपको कितने रुपये मिले? 30 रुपये मिले, 30 रुपीज आपको मिला। आपके पिताजी ने ओवरऑल टोटल 24 रुपये में लेकर आया था पेन, लेकिन आपने पिताजी को 6 रुपये का फायदा बना के दिया। स्टूडेंट्स, अभी आपके दिल में बहुत इच्छा हुई, वाह, 6 रुपये का फायदा बैठे बिठाई हो गया, चलो कल फिर से लेके जाते हैं पेन्स। आपने अपने पिताजी को इंसिस्ट किया, दरख्वास्त किया कि पिताजी मुझे और पेन्स चाहिए बेचने के लिए। आपके पिताजी ने आपको और पेन्स लेकर दिए, आप फिर से सेकंड डे गए, आपने और ज्यादा कीमत में पेन्स को बेचा, ज्यादा मात्रा में पेन्स को बेचा। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते आप लोगों का पेन का व्यापार, बिजनेस चल पड़ा।
क्यों हुआ? क्योंकि ये कंटिन्यूस एक्टिविटी था, एक दिन किया दूसरा दिन नहीं किया, ऐसा नहीं था। यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट, वो मैंने मोटर कार का दिया हुआ है। अगर आप अपना पर्सनल मोटर कार बेचते हो तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि आपने एक बार बेच दिया उधर प्रक्रिया खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा शोरूम है मोटर कार्स का और फिर आप बेच रहे हो, तो ऐसे प्रक्रिया को और कंटिन्यूसली बेच रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस। सो बिजनेस डीलिंग्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस। नेक्स्ट इज अनसर्टन रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट, अनसर्टन का मतलब होता है अनिश्चित प्रॉफिट, अनिश्चित मुनाफा। मुनाफा कभी भी बिजनेस में निश्चित नहीं। देखो उधर भी एक पर्सन सोच रहा है मुझे कितना मुनाफा मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी स्टेबल नहीं होता है। कभी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, कभी कम प्रॉफिट मिलता है, और कभी मिलता ही नहीं है। आइदर यू फीड नाइसली और यू फास्ट। या तो भरपूर खाओगे आप लोग, या तो थोड़ा बहुत भूखे भी मर जाओगे। जब लॉस होता है थोड़ा बहुत भूखे मर जाते हो, जब प्रॉफिट होता है तो भरपूर खाते हो। तो इसका मतलब अनसर्टन रिटर्न्स। आप लोगों का जो रिटर्न से प्रॉफिट है वो निश्चित नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर एक बिजनेस के अंदर खतरों की भावना होती होती है। बिना खतरे का कोई बिजनेस नहीं होता है। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क। खतरा नहीं उठाओगे तो बिजनेस कर नहीं पाओगे। सो बिजनेस में रिस्क तो होता है। यू मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क, बट यू मस्ट नॉट ट्राई टू अवॉइड इट, बिकॉज रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। स्टूडेंट्स, आप खतरे को कम कर सकते हो, लेकिन खतरे को नजरअंदाज या निकाल नहीं सकते हो कंप्लीटली। तो हर एक बिजनेस के अंदर आप लोग खतरे को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे न कि नजरअंदाज या निकालने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड। लास्ट पॉइंट इन दिस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस? फॉर सेटिस्फाइंग द कस्टमर। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ग्राहक को समतृप्ति देने के लिए, खुश करने के लिए। जब ग्राहक मेरा सामान नहीं लेता है तो फिर मुझे सामान उत्पादन का कुछ फायदा है क्या? नहीं फायदा है। सो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर इज अ किंग ऑफ द मार्केट स्टूडेंट्स। आपको पता है कस्टमर जो होता है वो राजा है मार्केट का। कोई भी बाजार, कोई भी मार्केट कस्टमर के बगैर नहीं हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता। बेचने वाला है, खरीदने वाला नहीं है तो मार्केट कहां कैसे होगा वो? तो यहां पर द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर। और मॉडर्न बिजनेस तो हमेशा यही देखता है कि सारे कस्टमर को अच्छी क्वालिटी में अच्छे प्रोडक्ट देने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो यू माइट हैव लाइक्ड माय वीडियो एंड माय सेशन आल्सो। वी विल सून बी मीटिंग। थैंक यू फॉर हियरिंग मी। Thank you.